दोस्तों, 72 डेज बाद में आज मार्केट में, लेकिन आज आने का मकसद अलग है दोस्तों। आज अपना एक सब्जेक्ट है कि कोरोना वायरल को आफत है पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक कपड़े व्यापार के लिए, हर व्यापार के लिए, इसको अपन अवसर में कैसे बदल सकते हैं। मैं आज आपको ऐसे टॉपिक की जानकारी दूंगा कि इस चीजों को अपने व्यापार में, अपने अवसर के रूप में कैसे बदल सकते हैं, वो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। देखो, कर्म अपने को अपना करना है दोस्तों। मैं भी आज आया हूँ, मैं भी व्यापारियों के जो ऑर्डर हैं वो माल भी डिस्पैच करवा रहा हूँ, आप देख भी रहे हो। चाहूं तो मैं भी नहीं आ सकता हूँ, घर पे बैठ सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपने को अपना कर्म करना पड़ेगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इन्हीं चीजों को अपन अवसर में बदल सकते हैं। इन चीजों पे आज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। आप अपना 10 मिनट का कीमती समय दोगे तो जरूर अपन एक अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे और अच्छा अपना बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, व्यापार में तो ये सब चीजें हमने 93 में प्लेग देखा सूरत में, 2006 में बाढ़ देखी, इतनी तकलीफें देखी, उसके बाद भी वापस सूरत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान की जो बुनियाद है ना, जो इकट्ठा करने की बुनियाद है भैया, हिंदुस्तान में 80% लोग, यहाँ पर कभी भी मां मंदी नहीं आ सकती, ये मेरी बात। और जिसमें कपड़ा तो ऐसी चीज है जो पूरे जरूरत की चीज है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, मैंने आगे वीडियो में बताया। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि ये चीजें ऐसी है कि आपत हमने बहुत सारी देखी, सूरत में भी देखी, हिंदुस्तान ने बहुत सारी देखी, 2008 की आर्थिक मां मंदी भी देखी, लेकिन हिंदुस्तान की जो बुनियाद है ना दोस्तों, वो बहुत मजबूत है। आज भी अपने को 6 महीने घर पे बैठना हो तो अपनी 70% पब्लिक, मैं बोलता हूँ, उनके पास 6 महीने का राशन भी है घर पे, और 6 महीने का वो बैलेंस लेके भी चलते हैं। अमेरिका में मंदी आने का कारण कि वो लोग रोटेशन पे चलते हैं, हिंदुस्तान वैसे नहीं चलता है दोस्तों। हिंदुस्तान पहले से अपनी सेफ्टी लेके चलता है, पैसों का थोड़ा बहुत बैलेंस लेके चलता है। तो 70% लोग ऐसे हैं। अपने देश ने बहुत संकट झेले हैं, ये तो नॉर्मल है, कोरोना वायरल तो इसको अपन अवसर में बदल सकते हैं। देखो दोस्तों, अपन ने अपनी इन 72 डेज में अपन ने क्या क्या दिनचर्या चेंज की, आपको आइडिया होगा। मैं आज आपको एक एक चीजें टॉपिक पे बताऊंगा, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा अपने व्यापार को कैसे बेटर कर सकते। आज दोस्तों, इस 72 डेज में अपने आप में अपने कितने चेंजिंग किए आपको पता होगा, आपने खुद ने भी किए होंगे, आपके परिवार ने भी किए होंगे। हमने होटल का खाना खाना छोड़ दिया, छोड़ा होगा आपने भी। हमने सुबह योगा या एक्सरसाइज चालू कर दी, घर का सिंपल खाना स्टार्ट कर दिया, बाहर मिलना जाना बंद कर दिया, बाहर घूमने जाना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ पार्टी करना बंद कर दिया। यानी अपने आप में अपन ने 72 डेज में बहुत कुछ चेंजिंग किया। और मैं तो मेरा पर्सनल बताता हूँ कि मैंने इस 72 डेज में जीवन जीना सीखा है एक्चुअल में, यानी मुझे आइडिया ही नहीं था कि जीवन जिया कैसे जाए। इस 72 डेज ने मुझे, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया होगा। जब दोस्तों अपन ने इतना कुछ चेंजिंग कर दिया तो क्या अपने व्यापार का चेंज नहीं होगा, आपको भी ऐसा लगता होगा। देखो दोस्तों, पहले जैसा व्यापार नहीं चलेगा, मेरे पास भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन आज चल क्या रहा है, ऑनलाइन कारोबार, जो हमने पहले से ही अच्छी फील्डिंग करके, अच्छी मेहनत करके जमाया था, आज उसको अच्छा प्रोसेस दिया तो उस पर जंपिंग है। जैसे शेयर बाजार में जंपिंग आता है ना, तो आपने भी ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बहुत, मैंने आगे भी कई वीडियो में बताया है, तो आज अपन उसी टॉपिक पे ही बात करेंगे कि व्यापार जब अपन इतना बड़ा चेंजिंग कर सकते हैं तो क्या अपन अपने धंधे में कुछ चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। उस एक आम कस्टमर को अपन अपनी सेवा क्या दे सकते हैं, मैं किस लिए आया हूं, मैं आज भी आपके 72 डेज बाद में आपसे मिल रहा हूं, क्यों आया हूं, मेरे उन 50,000 दर्शकों के साथ जो अजीत जोन से जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्यापार से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए आया हूं। मेरे को मेरा कर्म करना है, इसलिए आपको भी कोरोना नहीं रोना है, कुछ खड़ा हो, अपने जीवन को, अपने व्यापार को चेंज करो। सिस्टम चेंज करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा। और सिस्टम चेंज क्या करना, वो बड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। अपने को व्यापार करना है, आपको मैंने आगे भी बताया था कि जैसे आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन पूरा व्यापार कर रहे हैं, तो पिछले 4 दिन से यही काम कर रहे हैं, जब से 1 जून से खोला है हमने। तो आप भी दोस्तों अपनी दुकानें खोली है, ईद में कई दुकानें चालू भी थी, लोगों का व्यापार भी हुआ था, लेकिन अब समय नहीं है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक
अपने को अपनी दुकानदारी चेंज करनी है दोस्तों। वो कैसे करनी है कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि अपने को अपने जितने भी व्यापारी हैं उनको व्हाट्सएप पे सर्विस दीजिए। आपके पास अगर कोई फोटो अवेलेबल नहीं है माल की तो उसकी फीस को खोलिए, उसकी फोटो लीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। दुकान पे एक बच्चा भी होगा आपके पास, अगर दुकान पे बच्चा नहीं है, कोई घर से लेडीज करती है उनके लिए भी है। कि अपन एक ऐसी सर्विस चालू कर सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई लेडीज है घर पे अपने 5 सूट पसंद कर रही है व्हाट्सएप पे, तो उसको बाइक द्वारा अपने बच्चों को उसके घर पे होम डिलीवरी करवा सकते हो 5 सूटों की। 5 में से वो 2 पसंद करती है, 3 वापस देती है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसलिए ऑनलाइन पे आप आ जाइए, पूरा व्यापार आने वाले 4 महीने 6 महीने जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, ऑनलाइन में जितना बेटर अपन कर सकते हैं ग्राहकों को कुछ फायदा दीजिए, कुछ बेनिफिट दीजिए, ऑटोमेटिक जुड़ेंगे आपसे। आपके पास मुझे उम्मीद है हर बंदे के पास 300 से 400 नंबर हैं अपने कस्टमरों के, बड़े व्यापारी उनके पास ज्यादा है। आप जुड़िए उनसे, एक बार संपर्क करिए और व्हाट्सएप पे अपनी जितनी दुकान की वैरायटी है, बच्चे बैठे हैं आपके पास फ्री बैठे हैं या आप खुद फ्री बैठे हो दुकान में, फोटो निकालिए। अगर हमारे जैसे व्यापारियों से माल लिया हुआ आपका तो हमारे से फोटो मंगवाइए उस चीज की, आपके पास पड़ा है माल उसके हम फोटो भेजेंगे आपको। उसको फोटो को अपने ग्राहकों को फॉरवर्ड कीजिए और एक ऐसी सर्विस चालू कीजिए जैसे अपने को स्विगी वगैरह आती है ना, अपन सब्जी रोटी जो भी चीज स्विगी से मंगवाते आती है ना घर पे, वो सर्विस चालू कर दीजिए भैया। वो समय आ गया है, उसमें अभी लंबा जाने की जरूरत नहीं है, पूरा समय चेंज हो गया भैया। शादियों में जाना बंद कर दिया है, अंतिम संस्कार में जाना बंद कर दिया है, हर जगह जाना बंद कर दिया भैया। तो अभी अपन कहने का मतलब, अपन ये नहीं समझ सकते कि यहाँ आएगा व्यापारी इतने दूर से आएगा पैसा जेब में डाल के लाएगा ना, तो रिटेल में भी वैसा ही है, आदमियों के डर बैठा हुआ है, ये डर नहीं निकलेगा। मैं तो बोल रहा हूं, क्या पता मेरे बोलने से आपका डर निकल जाए, लेकिन उस रिटेल व्यापारी का डर कैसे निकलेगा जो घर में बैठा है, नहीं निकलेगा। इसलिए अपने दुकान पे अपने व्हाट्सएप पे ऐसी सर्विस का लिख के भेजिएगा, हमारी कंपनी फलाना फलाना नाम से ये सर्विस दी जा रही है हमारी कंपनी के थ्रू, कि हमारा बंदा पूरी सेफ्टी के साथ, आज मेरे पास भी बच्चे बैठे हैं, मास्क ग्लव्स पूरा सेफ्टी के साथ हम डिस्पैच कर रहे हैं। आप भी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को ग्लव्स मास्क पूरा लगा के और उसमें लिखिए आप अपने व्हाट्सएप में कि हम ऐसी सर्विस दे रहे हैं कि हमारा बंदा, आप 5 सूट पसंद करते हो उनमें से अगर 2 भी लेना है तो हमारा बंदा आपको घर पे देने आएगा और पूरी सेफ्टी के साथ। ये सर्विस चालू कर दीजिए, बाइक से बंदा जाएगा। और दूसरी चीज भैया, अगर आपने कोई चीज 300 रुपए में बेची है उसमें आप लिख के आराम से लीजिए भैया, घर पे सर्विस दे रहे हैं, 20 रुपीज एक्स्ट्रा है 1 पीस का। हंसते हंसते देगा ग्राहक, हमने 72 डेज में दिया है, किराने वाले को भी दिया है, हर चीज दूध वाले हर चीज हर बंदे को दिया है, क्योंकि वो बंदा सर्विस दे रहा है। तो अपने को अपने व्यापार में चेंजिंग करना पड़ेगा। इस मैसेज में अपन और नई नई चीजें क्या क्या कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। देखो भैया, अपन नरेंद्र मोदी की औलाद नहीं है, अपन कोई गलत भी कर देंगे तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ चेंजिंग जब आप 72 डेज में अपने शरीर के लिए अपने खुद के लिए 500 चेंजिंग कर दिए हैं तो अपने व्यापार के लिए चेंजिंग नहीं कर सकते। आने वाला समय उन्हीं बंदों का है जो अपने आप को और अपने व्यापार को चेंजिंग कर सकते हैं, बाकी दूसरों का समय नहीं है। तो इस बात को नोट करो दोस्तों और ऐसी मुहिम में लग जाओ। देखो सर, हम लोकल हैं, लोकल वोकल मोदी जी का भी नारा है, तो अपना अपना एक लोकल का ही माल बेच रहे हैं, अपने हिंदुस्तान का बना हुआ ही बेच रहे हैं। इस व्यापार में अपन चाहे जैसा, कपड़े में कभी मंदी नहीं आएगी भैया, अपन ने 72 डेज में कपड़े पहने हैं, ऐसे ही नहीं घूमे पहने हैं ना, तो वही चीज है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि चीजें बिकती है, लेकिन अब आप विदाउट सीजन में अगर छत्ता बेचोगे बिकेगा नहीं बिकेगा, अब समय है, समय के सेफ्टी के साथ में। हमने कभी नहीं सोचा ऐसा मास्क लगाएंगे, ऐसा ग्लव्स पहनेंगे, लेकिन समय के साथ चेंजिंग होना पड़ेगा। आप भी हो जाइए, लेट मत कीजिए, जितना जल्दी चेंजिंग होगे अपने व्यापार को बढ़िया पाओगे और उस सेफ्टी के साथ आपका बच्चा उसके घर पे जाएगा ना, बंदा खुश हो जाएगा, क्या क्या सेफ्टी इस कंपनी से हमारे को, इस रिटेल दुकान वाले ने क्या सेफ्टी के साथ हमारे पास 2 सूट भेज दिए, क्या सर्विस, वो बेटर सर्विस का आपको एक मैसेज भी डालेगा, उसकी खुशी है ना दोस्तों। आज हमारे चैनल पे कोई ऐसा व्हाट्सएप डालता तो हमें 4 गुनी खुशी होती है। इसलिए दोस्तों मेरा आज मकसद यही था आने का कि आप लोगों में एक
डर का माहौल है उसको निकाल दीजिए दोस्तों। डर से आगे ही जीत है। अपने को अच्छे सेफ्टी से चेंजिंग करने हैं अपने व्यापार में, ये सब चेंज करके अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और आने वाले समय में हम और चीजें भी आपको बताएंगे, हमारे चैनल पे भी बताएंगे और रेगुलर बताएंगे दोस्तों कि और क्या क्या आप आगे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल से जुड़े हुए रहिए। मेरी कोशिश यही रहेगी आपको एक एक चीज मैं बताऊं, आपकी हिम्मत बढ़े और मेरे व्यापारियों की हिम्मत बढ़े। यही कहना था दोस्तों। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखो, बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखो और अपने व्यापार को चेंज करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। 100% रिजल्ट आएगा, ये अजीत भाई का वादा है। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।